हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ रेनो डस्टर के बारे में। सो जैसे कि आपको पता है कि इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको रेनो डस्टर के सारे फीचर्स बता दिए थे। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रेनो डस्टर के अंदर आपको कौन कौन से मॉडल्स मिल जाते हैं, कौन कौन से वेरियंट्स मिलते हैं और क्या क्या इनके फीचर्स हैं। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं रेनो डस्टर के सारे ही जितने भी फीचर्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेरियंट वाइज। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप एक एसयूवी लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत काम की हो सकती है। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लेने, क्योंकि ऐसी कार की वीडियोस और कार की न्यूज मैं आप लोगों के लिए डेली लेकर आता रहता हूं। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि रेनो डस्टर एक मिड एसयूवी है और अपने टाइम पर जब से वो लॉन्च हुई है काफी अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी है और मार्केट के अंदर काफी नाम भी है रेनो डस्टर का। सो आज मैं आपको इसके अब सारे वेरिएंट्स बताया था। अगर वेरिएंट्स की बात करो तो आपको इसके अंदर टोटल चार वेरिएंट्स मिलते हैं, मींस बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक आपको टोटल चार वेरिएंट्स मिलते हैं। सो सबसे पहले जो वेरिएंट है वो आता है आर बाय एक्स, मींस आर एक्स ई आता है। उसके बाद आता है जो कि है बेस मॉडल, उसके बाद आता है आर बाय एस मींस आर मल्टीप्लाई बाय एस, उसके बाद आता है आर एक्स एस ऑप्शनल के अंदर, जो कि अब नया वेरिएंट इस बार कंपनी ने लॉन्च किया है। उसके बाद जो टॉप मॉडल है वो आता है आर मल्टीप्लाई बाय जेड, जो कि है टॉप मॉडल। सो मैं आपको सारे अब वेरिएंट्स बताने वाला हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग की बात करूं तो काफी अच्छी प्राइसिंग कंपनी ने इस बार रेनो डस्टर की रखी हुई है। 7.99 लाख टू 12.99 लाख एक्स शोरूम प्राइस है, जो कि काफी अच्छा प्राइसेस रखा हुआ है एक मिड एसयूवी के लिए, क्योंकि कंपनी को भी पता था कि अगर वो अपने प्राइसेस को अगर हाइक कर देती है तो मार्केट के अंदर अभी काफी ज्यादा कंपटीशन है। जैसे कि आपको पता है कि ब्रेजा का पेट्रोल वर्जन भी लॉन्च हो चुका है और कहीं ना कहीं जो इसका राइवल है वो है हुंडई वेन्यू, क्योंकि वेन्यू भी काफी अच्छी अपने उसमें चल रही है, काफी अच्छी उसकी सेल भी है। सो इसलिए कंपनी ने इसके प्राइसिंग को काफी ज्यादा हाइक नहीं किया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेनो डस्टर के बेस मॉडल जो की है आर एक्स ई। सो इसकी अगर प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको अवेलेबल हो जाती है 7.99 लाख के अंदर। आपको इसके अंदर टोटल दो ऑप्शन मिलते हैं इंजन के। सो इंजन की अगर बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलता है 1.5 लीटर का पेट्रोल वर्जन, जिसकी जो एक्सशोरूम प्राइस है वो है 7.99 लाख। और वहीं अगर मैं डीजल की बात करूं तो वो आपको मिलता है 1.5 लीटर का 84 BHP की पावर जनरेट करने वाला डीजल इंजन, जिसकी प्राइसिंग है 9.29 लाख एक्स शोरूम प्राइस। काफी अच्छा प्राइसिंग इस बार कंपनी ने इसके अंदर रखा हुआ है। वहीं अगर बात करूं इसके फीचर्स के बारे में तो फीचर्स इसके अंदर आपको काफी ज्यादा बेस मॉडल के अकॉर्डिंग काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू जो पहले वाली रेनो डस्टर थी। वहीं मैं बात करूं तो आपको इसके अंदर मिलते हैं फीचर्स के अंदर डुअल टोन बॉडी कलर्ड बम्पर, आपको इसके अंदर फ्रंट वाले बम्पर मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। वहीं आपको इसके अंदर मिल जाते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी इस बार कंपनी ने इसके अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं। वहीं बैक साइड की टेलगेट की बात करो तो उसके अंदर आपको मिल जाते हैं मैट ब्लैक का टेलगेट, आपको इसके अंदर मिल जाता है। वहीं LED टेल लैंप्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 16 इंचेस का आपको इसके अंदर व्हील्स देखने के लिए मिल जाएंगे। रिम्स दिए हुए हैं उसके अंदर आपको, जो व्हील कवर है वो भी आपको इसके अंदर इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। ब्लैक फैब्रिक सीट्स इस बार इंस्टॉल्ड हैं। रिमोट कीलेस एंट्री भी बेस मॉडल से ही रेनो डस्टर के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाती है। पावर विंडोज है, ABS, EBD और रियर पार्किंग सेंसर, जो आपको पता है ये तीनों फीचर्स जो है वो इस बार नॉर्म बन चुका है। सो इसलिए तीनों फीचर्स भी आपको एड ऑन इसके अंदर मिल जाएंगे। डुअल एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स भी आपको इस बार अवेलेबल मिल जाते हैं। इम्पैक्ट सेंसिंग डोर लॉक, डोर अनलॉक भी आपको फीचर इस बार इसके अंदर एड ऑन मिल जाएगा। ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। सो गाइस, ये थे सारे फीचर्स जो कि बेस मॉडल में ही रेनो डस्टर के अंदर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जो इसके ऊपर वाला जो मॉडल है, मीन्स आर मल्टीप्लाई बाय 7। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि आर एक्स एस मॉडल के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स एड ऑन हो जाते हैं। सो अभी जो मैंने आपको फीचर्स बताया है आर एक्स ई के अंदर, वो सारे फीचर्स आपको इस वाले वेरियंट के अंदर भी अवेलेबल हो जाएंगे। और जो एडिशनल फीचर्स हैं वो मैं आपको अब बताया तो कि आपको और क्या क्या एडिशनल फीचर्स आपको एड ऑन हो जाते हैं आर एक्स एस मॉडल के अंदर। सो जो और मॉडल के अंदर जो फीचर्स एड ऑन हो जाते हैं वो होते हैं फुल क्रोम की ग्रिल आपको अवेलेबल हो जाती है। जो फ्रंट के अंदर जो ग्रिल है वो आपको फुल क्रोम की मिलने वाली है। वहीं आपको LED DRLs जो है वो इसी मॉडल से स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं ब्राउन फैब्रिक सीट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल आपको आउटसाइड ORVMs अवेलेबल हो जाते हैं, वो आपको इसी वेरिएंट से अवेलेबल हो जाते हैं। ब्राउन फैब्रिक सीट्स आपको मिलेंगी। 7 इंचेस का आपको मीडिया नैव इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल हो जाएगा विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो आपको अवेलेबल हो जाता है।
इसके अंदर आपको वॉइस रिकॉग्निशन का भी आपको फीचर्स एड ऑन होता हुआ मिल जाएगा। फोर स्पीकर्स आपको इसके अंदर एड ऑन मिल जाएंगे। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आपको इसी मॉडल से अवेलेबल होंगे। रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। गियर शिफ्ट इंडिकेटर आपको इसके अंदर एड ऑन फीचर्स मिल जाएगा। इस बार इको मोड भी आपको इसके अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। कूल्ड कंपार्टमेंट का स्टोरेज भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मीन्स अगर आपके पास 1-2 लीटर का आपके अगर कोल्ड ड्रिंक या फिर वाटर है तो आप उसको उसके अंदर कूल्ड ग्लव बॉक्स के अंदर आप उसको रखकर स्टोर करके कूल कर सकते हो। रियर डिफॉगर भी आपको इसके अंदर एड ऑन मिल जाएगा। सो गाइस ये थे कुछ फीचर RX S मॉडल के अंदर। सो इसका अगर मैं आपको ऑन रोड प्राइस मीन्स एक्सशोरूम प्राइस आपको मैं इसके अंदर अवेलेबल करा देता हूँ। आपको इसके अंदर जो इंजन ऑप्शन है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। 1.5 लीटर का पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन का आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा जो कि है 9.19 लाख एक्सशोरूम प्राइसेस। वहीं आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाता है 1.5 लीटर का डीजल 84 BHP का जो इंजन है वही सेम आपको अवेलेबल हो रहा है। इंजन की बात करो तो वो आपको सेम मिलने वाला है जो कि बेस वेरिएंट के अंदर मिलने वाला है। इसके अंदर एक और आपको इंजन आपको अवेलेबल मिल जाएगा जो कि है 108 BHP की पावर जो जनरेट करता है। उसका जो एक्सशोरूम प्राइस है वो है 11.19 लाख। सो ये थे कुछ इंजन ऑप्शन जो कि मैंने आपको इसके अंदर बता दिए हैं। सो गाइस अब बात कर लेते हैं RXS ऑप्शन वेरिएंट की जो कि इस बार से एड ऑन हुआ है। सो अगर इसकी मैं इंजन ऑप्शन की बात करूं तो आपको इसके अंदर मिलेगा 1.5 लीटर का CVT पेट्रोल इंजन जिसका एक्सशोरूम प्राइस है 9.99 लाख और डीजल में आपको मिलता है 1.5 लीटर का 108 BHP के पावर जनरेट करने वाला डीजल इंजन आपको मिलेगा। ऑल व्हील ड्राइव के साथ 12.49 लाख एक्सशोरूम प्राइस आपको मिल जाएगा। वहीं अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो RXS के जो मैंने फीचर्स अभी आपको बताया है इन एडिशन टू RXE आपको वो सारे फीचर्स इसके अंदर एड ऑन मिल जाएंगे। और बाकी जो और एड ऑन फीचर्स है ऑप्शन में वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसके अंदर मिलेगा 16 इंचेस का डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको इसके अंदर एड ऑन मिल जाएंगे। वहीं आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर आपको ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में ही अवेलेबल होगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको फीचर एड ऑन मिल जाएगा। हिल स्टार्ट आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगा। हिल स्टार्ट असिस्ट जो है वो आपको इसके अंदर एड ऑन फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। सो अब बात कर लेते हैं RXZ मीन्स जो कि टॉप वेरिएंट है उसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की। तो इंजन ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो आपको इसके अंदर मिलता है 1.5 लीटर का 108 BHP के जनरेट करने वाला इंजन डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको मिलेगा 12.09 लैक्स के अंदर आपको अवेलेबल हो जाता है। और वहीं आपको डीजल के अंदर वही सेम इंजन 1.5 लीटर का 108 बीएचपी के जनरेट करने वाला इंजन आपको अवेलेबल होता है 12.49 लैक्स एक्सशोरूम प्राइसेस। सो अब मैं बात कर लेता हूँ इसके फीचर्स के बारे में कि आपको और क्या क्या एड ऑन फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। आपको इसके अंदर एड ऑन फीचर्स मिलेंगे। फ्रंट के फॉग लैंप्स आपको मिल जाएंगे। क्रोम एग्जॉस्ट पाइप आपको रियर में मिल जाएगा। सैटिन क्रोम रूफ रेल्स आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगी क्रोम में। और डोर साइड्स आपको मिल जाएंगी जो कि नीचे की साइड लगती हैं। वहीं आपको मिल जाएगा ब्लू ग्लेस फैब्रिक सीट्स आपको इसके अंदर अवेलेबल मिल जाती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसी वाले वेरिएंट के अंदर अवेलेबल होगा। इको गाइड ऑप्शन मिल जाता है। फ्रंट के 2 ट्विटर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। गियर शिफ्ट इंडिकेटर आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर ही अवेलेबल होगा। फ्रंट ड्राइवर सीट का आर्मरेस्ट भी आपको अवेलेबल हो जाता है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विद लंबर सपोर्ट आपको जो ड्राइवर साइड की सीट है वो आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाती है। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs भी आपको इसके अंदर अवेलेबल मिलेंगे। क्रूज कंट्रोल जो कि काफी अच्छा ऑप्शन है एक SUV के लिए जो कि होना चाहिए था वो आपको टॉप वेरिएंट के अंदर ही अवेलेबल होगा। स्पीड लिमिटर आपको इसके अंदर मिल जाता है। ESP मिल जाता है। हिल स्टार्ट असिस्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है। रियर पार्किंग कैमरा विद गाइडेंस आपको इसके अंदर मिलेगा। रियर वाइपर एंड रियर वॉशर भी आपको इसी वेरिएंट के अंदर अवेलेबल होगा। सो गाइज अगर आप मुझसे पूछो कि मेरे हिसाब से कौन सा बेस्ट वेरिएंट है अगर हम एक बात करें एक SUV लेने के लिए सो मेरे हिसाब से जो RXS मॉडल है वो सबसे बेटर वेरिएंट है अगर आपको एक SUV लेनी है। अगर आप डस्टर को लेने के लिए जाते हैं सो मेरे हिसाब से RXS जो वेरिएंट है उसके अंदर मोस्टली जो जो हमें फीचर्स चाहिए वो सारे उसके अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि आपको उसके अंदर एक अच्छा इंजन आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाता है। रिट्रैक्टेबल आपको ORVMs मिल जाते हैं। 7 इंचेस का नेविगेशन आपको इसके अंदर मिल जाता है। और काफी ज्यादा जो फीचर है सो मेरे हिसाब से RXS जो वेरिएंट है वो बेस्ट वेरिएंट है। अगर मैं बात करूँ वैल्यू फॉर मनी जो ऑप्शन है वो आपको सिर्फ RXS मॉडल है। बाकी आपकी चॉइस है कि आपको अगर और फीचर्स चाहिए तो आप अपग्रेड भी कर सकते हो और डाउनग्रेड भी कर सकते हो। सो गाइज ये थी कुछ वीडियो
रेनो डस्टर के बारे में, सारे मैंने वेरियंट्स आपको इसके अंदर फीचर्स के साथ एक्सप्लेन कर दिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसको एसयूवी चाहिए उसके साथ प्लीज जरूर इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ऐसी ऐसी वीडियोस लाने के लिए। और अगर चैनल पर नया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए डेली लेकर आता रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।